पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक को वन रैंक वन पेंशन के ऊपर मैं आज आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो को जब भी जितने भी भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारक और ओआरओपी 3 लाभार्थी ओआरओपी 2 लाभार्थी और ओआरओपी 1 लाभार्थी हैं ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी रैंकों का चाहे सिपाही हो नायक हो हवलदार हो सभी रैंकों का हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। और क्या जिक्र करेंगे, जो 1/7/2024 से इफेक्टेड है आप लोगों का ओआरओपी 3 उसमें कुछ खामियां देखी गई है, उसमें कोई कमी देखी गई है। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक को रेगुलर कमेंट आ रहा है कि हताश है सर, निराश है सर, ओआरओपी 3 में भी कुछ हाथ नहीं लगा, मलाई नहीं मिली, मूंगफली का छिलका मिल गया, काफ़ी कुछ मैसेज देखने को मिल रहा है, जिसके लिए ये वीडियो आपको देखना अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहली बात, अगर आपको एरियर प्राप्त नहीं हुआ है तो सीपी ग्राम में आपको कांटेक्ट करना होगा। अगर आप ओआरओपी 3 लाभार्थी हैं या बेनिफिशियरीज हैं, सीपी ग्राम आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, मतलब रिप्लाई मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक को ये भी कंफ्यूजन है कि इक्वल एमएसपी पे क्या है माजरा। इक्वल एमएसपी सारा खत्म हो चुका है, अभी कोई उस पर आप ये मत सोचे कि ओआरओपी सीपी ग्राम में आप लोगों को मतलब ओआरओपी, बस अभी ध्यान में रखना है आपको। और मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ओआरओपी 3 में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को ये भी डाउट है क्या फीटमेंट फैक्टर के साथ क्या फॉर्मूला लगाए, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सारा कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही साथ शेयर करना ना भूले। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। नहीं, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पेंशन जितने भी पेंशन धारक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिफरेंस का, ओआरओपी 3 ये पेंशन का डिफरेंस है और आपका 53% हो चुका है डीए, तो याद रखे और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।